इस मैडम को देखिए, कहाँ बैठी हुई है। माया, ये टिश्यू पेपर का बॉक्स है। अरे, सो गई माया। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग गाइस। तो अभी अभी मेरा ऑफिस का काम ख़त्म हुआ है, शाम के कुछ 5 बजे हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो मैं थोड़ी देर अभी रेस्ट करता हूँ एंड आपको मिलता हूँ उठने के बाद। तो आज ना मुझे और राम को कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था बहुत दिनों बाद। तो हमने आज बनाया है ये, हमने बनाया है चना चोर करम। अब हम इसे खाते हैं। फिनलैंड बहुत ही शांत सी कंट्री है, क्योंकि एक तो लोग कम हैं और उसकी वजह से शोर भी कम है। बट कभी कभार ये सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को बहुत ही फास्ट पेस्ड लाइफ की आदत है, जिन लोगों को बहुत हलचल पसंद है, उन लोगों के लिए यहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, साइलेंस एंड शांति अच्छी तो होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। एंड मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो बड़े बड़े सिटीज से आते हैं, जिनको यहाँ की शांति पूरी तरीके से भाती नहीं है। तो ये चीज़ थोड़े लोगों के लिए यहाँ की खासियत होगी और थोड़े लोगों के लिए यहाँ का माइनस पॉइंट। पता नहीं क्या दिख गया उसको। हेलो हाँ हो गया, क्यूरियोसिटी इसे बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। तो गाइस, अभी हम निकले हैं मेरा हेयर कट करवाने के लिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब आज का पूरा प्लान हमने कैंसिल कर दिया। और कोई प्लान नहीं इसका था, कोई अच्छा कैंसिल नहीं हुआ। बीच हम किसको जाना था, हाँ तो ये बीच, दूसरा नया वाला? अरे नया वाला बीच मैंने सोचा यहाँ पे हम आके हेयर कट करवा लेंगे फिर चलेंगे बीच पे। बट सीन अभी ऐसा है कि यहाँ पे सारे शॉप्स बंद है, तो हम जा रहे कहीं और, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा अभी मेरे बाल, तो कटवाने तो पड़ेंगी अभी। तो चलिए चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के बार्बर शॉप का सीन। गाइस, तो यहाँ के बार्बर शॉप्स की एक बात यह है कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है नाए के पास बाल कटवाने के लिए भी। तो सोचिए यहाँ का सिस्टम कितना अजीब सा सिस्टम है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि बाल कटवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा मुझे। तो अभी बस हम पहुँच ही गए हैं, थोड़ा और आगे तक जाना है एंड फिर हम आपको मिलते हैं मेरे बाल कटवाने के बाद। कितने पत्ते गिर रहे हैं देखिए, देखना पत्तियों की बारिश हो रही है। क्या पत्तियों की बारिश हो रही है? पत्तियों की बारिश। आई विश आई विश। तो गाइस, हो चुका है मेरा हेयर कट। आशी को पसंद नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी नहीं, कितना मतलब कैसे लग रहे हैं। ठीक है, वो घर जाके एक बार हेयर वॉश वगैरह कर लेंगे तो फिर थोड़ा नॉर्मल सा लगता है। ये लोग यहाँ पे थोड़ा हेयर ड्रायर वगैरह मार के थोड़ा सेट बहुत करके जेल देते हैं। लगा है। हाँ, जेल भी उसने थोड़ा ज्यादा हाँ, लगा दिया। आधा से ज्यादा टॉपिक खर्च कर दिया ऐसे लग रहा है। ठीक ऐसे है, लग रहा था मेहंदी लगाई है। इतनी क्या हंसी आ रही है तुझे। सबसे बड़ा काम हो गया है आज का, तो अभी जाके
थोड़ी मेथी वगैरह खरीदते हैं, जो कि हमें लगता है फाइनली हमें मिली है इतने दिन सर्च करने के बाद। तो बात यह है कि यहाँ के इंडियन स्टोर्स में भी मेथी मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, अभी तक हमको 8-7 महीने हो गए आके एक बार भी मेथी नहीं मिली हमको। हाँ वो बात सही है। तो हमने सुना है कि यहाँ पास में जो इंडियन स्टोर है वहाँ पे मेथी इम्पोर्ट हुई है इस हफ्ते, तो हम जाते हैं चेकआउट करते हैं, होपफुली ख़त्म नहीं हुई होगी। ड्राई वाली मेथी नहीं? हाँ नॉट द ड्राई वन, प्रॉपर लीफी मेथी। तो सैड बात यह है कि मेथी नहीं मिली हमें, हमारा किस्मत ही खराब है, या मेथी आती नहीं है, तो अभी हमें उगाना ही पड़ेगा। बट काफी सारी अलग चीजें मिल गई है। क्या क्या लिया अपन ने? भिंडी, यस, गवार फली, भिंडी ली है, गवार फली ली है, कंदूरी और आंबा हल्दी और साथ में इसने लिज्जत के पापड़ भी लिए हैं। बाय द वे हम चल रहे हैं रेलवे स्टेशन के नीचे से, आप ऊपर देख सकते हो कि ट्रेन खड़ी हुई है और हम जा रहे हैं उसके नीचे से, लिखा है रेलवे स्टेशन। गाइस तो हम मॉल आ चुके हैं और प्लान है यहाँ पे लंच करके यहाँ से निकलने का, फिर घर जाएंगे एंड देखते फिर क्या करना है। तो गाइस हम आए हैं फाफाज, जो कि एक मिडिल ईस्टर्न फास्ट फूड सेंटर है। तो ये है पीटा ब्रेड विद फलाफल एंड हमस, ये भी सेम चीज़ है विद हमस, एंड साथ में हमने लिया है हलूमी विद सम डिप। हलमी इज़ वेरी सिमिलर टू पनीर। तो अभी हम टूट पड़ते हैं इस पे एंड आपको बताते हैं हमको ये कैसा लगा। कैसा है? वेरी नाइस, बट थोड़ा सा सॉल्टी है। गाइस आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है आज के दिन, एंड वो इसीलिए क्योंकि अक्टूबर के महीने से फिनलैंड में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ चुका है यहाँ पे कोविड का सिचुएशन, काफ़ी लोगों का वैक्सीनेशन भी हो चुका है, एंड काफ़ी लोगों का मतलब ये है यहाँ पे सिर्फ 12 लाख का पॉपुलेशन है, मतलब ग्रेटर हेलसिंकी में, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है यहाँ पे सिचुएशन अंडर कंट्रोल लाने में। तो बस निकल रही है, हम आपको मिलते हैं बस में। तो आज हम हिलाने वाले हैं माया को। काफी टाइम हो गया, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि उसको नहलाएंगे, आज फाइनली उसको नहलाने का मुहूर्त आ चुका है। बीतन आएगी माया? ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चू, नहाएगा मेरा बच्चू? उसको ज्यादा, मुझे से लगता है आवाज से ज्यादा डर लग रही थी उससे। माया अब डर नहीं लग रहा है माया को? माया डन, देखिए इसका असली साइज। माया
Are you okay? Okay? आज राम भी क्लीन हो गया बाल कटा के और माया भी क्लीन हो गई। She looks fine. तो माया इतने अच्छे तरीके से उसने नहाया। She was a good girl. तो हम उसको देंगे ट्रीट। She deserves it. माया। तो आज का दिन तो बहुत मजेदार था मेरे लिए। दोनों को क्लीन होता हुआ देखा मैंने पूरा। It was fun. अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय। तेरी असलियत आज बाहर आ गई है। कितनी पतली दिख रही है वो नहाने के बाद।